गुड मॉर्निंग ऑल द डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10+2, लेट्स स्टार्ट द रेस्ट पार्ट ऑफ आवर लेसन द पोएट एंड पैकिंग। इट वॉज ऑब्वियस, ये स्पष्ट था दैट कि ही टू न्यू प्रीसियस लिटल अबाउट द पोएट, कि वह भी कवि के बारे में बहुत कुछ कम जानता था, और द एडिटर या हम कह सकते हैं संपादक के बारे में। द स्पीच वॉज ऑल इन द मोस्ट जनरल टर्म्स, भाषण वॉज ऑल इन मोस्ट जनरल टर्म्स, साधारण सी बातों के बारे में था। बट हेयर एंड देयर, परंतु यहाँ वहाँ, इट वॉज पेपर्ड विद वर्ड लाइक फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी, यह स्वतंत्रता और प्रजातंत्र जैसे शब्दों से भरा पड़ा था। देन द पोएट स्पोक, तब कवि बोला। ही कुड नॉट हैव एड्रेस्ड ए मोर डेज्ड एंड साइलेंट ऑडियंस, वह अत्यधिक हैरान हुए और शांत श्रोताओं को संबोधित नहीं कर सकता था। नो वन न्यू, कोई नहीं जानता था, व्हाट ही वॉज टॉकिंग अबाउट, कि वह किस चीज़ के बारे में बातें कर रहा है। एंड इज असेंट डिफिटेड एनी अटैम्प्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट ही वॉज सेइंग, एंड इज असेंट, और उसका कहने का लहजा डिफ्टिड हरा देता था एनी अटैम्प्ट, किसी भी कोशिश को, टू अंडरस्टैंड, ये समझने की, व्हाट ही वॉज सेइंग, कि वो क्या कह रहा है। द होल थिंग लास्टेड अबाउट एन आवर, सारी बातें एक घंटे तक चली। देन द पोएट लेफ्ट, और तब कवि चला गया। एंड वी आर डिस्प्रेस्ड इन अटर बेफलमेंट, और पूर्ण कन्फ्यूजन में, पूर्ण हैरानी में हम भी चले गए। व्हाट आर वी डूइंग, हम क्या कर रहे थे, क्या कर रहे हैं। व्हाट इज़ एन इंग्लिश पोएट डूइंग इन ए फिल्म स्टूडियो, एक अंग्रेज़ कवि फिल्म स्टूडियो में क्या कर रहा है। विच मेक्स तमिल फिल्म, जो स्टूडियो तमिल फिल्में बनाता है, फॉर द सिंपलेस्ट सॉर्ट ऑफ पीपल, सीधे साधे लोगों के लिए, पीपल हुज लाइव लिस्ट अफोर्ड दैम, जीव वे लोग जिनका जीवन लिस्ट अफोर्डेड दैम द पॉसिबिलिटी ऑफ कल्टिवेटिंग ए टेस्ट। द पीपल हुज लाइव, लोग जिनका जीवन लिस्ट अफोर्डेड बहुत ही कम सहन करता था, द पॉसिबिलिटी ऑफ कल्टिवेटिंग ए टेस्ट फॉर इंग्लिश पोएट्री, अंग्रेजी कविता के प्रति अपने जीवन में रुचि पैदा करना। द पोएट लुक्ड प्रेटी बेफल टू, कवि भी अत्यधिक हैरान दिखाई दे रहा था। फॉर, क्योंकि ही टू मस्ट हैव फेल्ट द शियर इनकॉन्ग्रुइटी ऑफ हिज टॉक अबाउट द थ्रिल एंड ट्रेवल्स ऑफ एन इंग्लिश पोएट, क्योंकि उसने भी स्वयं एक अंग्रेजी कवि की रूप में अपने रोमांच और कल्पनाओं की बारे में बातें करने की असंगतता के बारे में महसूस किया होगा। बिकॉज, क्योंकि, ही टू मस्ट हैव फेल्ट, फॉर, क्योंकि, ही मस्ट, टू मस्ट हैव फेल्ट, उसने अवश्य महसूस किया होगा द शियर इनकॉन्ग्रुइटी, पूर्ण रूप से बेकारी ऑफ हिज टॉक, अपनी बातों की, अबाउट द थ्रिल, रोमांच के बारे में, एंड ट्रेवल, और अपनी कल्पनाओं के बारे में, ऑफ एन इंग्लिश पोएट, एक अंग्रेज कवि के रूप में। हिज विजिट रिमेन एन अनएक्सपेक्टेड मिस्ट्री, और उसकी यात्रा एक अनसुलझा रहस्य बनकर रह गई। द ग्रेट प्रोज एंड राइटर ऑफ द वर्ल्ड मे नॉट एडमिट इट, शायद संसार के महान गद्य लेखक इस बात को स्वीकार न करे। बट माई कन्विक्शन ग्रो स्ट्रोंगर डे आफ्टर डे, परंतु मेरा विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। दैट प्रोज राइटिंग इज नॉट एंड कैन नॉट बी द ट्रू प्रस्यूट ऑफ जीनियस, कि गद्य लेखन एक प्रतिभावान व्यक्तियों का सच्चा अनुसरण नहीं हो सकता। इट इज़ फॉर द पेशेंट प्रेसिस्टेंट प्रेजर्विंग ड्रज विद ए हार्ट सो श्रंकन, ये तो उन लोगों का कार्य है जो धैर्यवान, प्रेसिस्टेंट, जिद्दी, प्रेजर्विंग ड्रज, लगातार अपने बात पर चलते रहें, विद द हार्ट सो श्रंकन, जिनका हृदय इतना सुकड़ा हुआ हो, दैट कि नथिंग कैन ब्रेक इट, कि उसे कोई भी चीज़ तोड़ न सके। रिजेक्शन स्लिप डोंट मीन ए थिंग टू हिम, और
मनाही की पर्चियाँ उनके लिए कुछ भी नहीं है। ही एट वन सेट अबाउट मेकिंग ए फ्रेश कॉपी ऑफ द लॉन्ग प्रोज पीस, और लंबी गद रचना की एक नई कॉपी तैयार करने के लिए शुरू हो जाते हैं। एंड सेंड इट ऑन टू अनदर एडिटर, और उसे किसी दूसरे संपादक के पास भेज देते हैं। इन क्लोजिंग पोस्टेज फॉर द रिटर्न ऑफ द मैनस्क्रिप्ट, इन क्लोजिंग इसके अंदर पोस्टेज टिकटें डालकर फॉर द रिटर्न ऑफ द मैनस्क्रिप्ट कि वो मुख्य पांडुलिपि को वापस भेज दे। इट वॉज फॉर सच पीपल, ऐसा उन लोगों के लिए था। दैट द हिंदू हैड पब्लिश्ड ए टीनी अनाउंसमेंट इन द इनसिग्निफिकेंट कॉर्नर ऑफ एन इम्पोर्टेंट अनइम्पोर्टेंट पेज, दैट की द हिंदू समाचार पत्र ने हैड पब्लिश्ड प्रकाशित की थी एन टीनी अनाउंसमेंट, एक छोटी सी घोषणा, इन एन इनसिग्निफिकेंट कॉर्नर, एक अमहत्वपूर्ण कोने में, ऑफ एन अनइम्पोर्टेंट पेज, एक महत्वहीन पेज के ऊपर, ए शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज्ड, एक छोटी सी लघु कथात्मक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी बाई ए ब्रिटिश पीरियडिकली, एक ब्रिटिश पत्रिका द्वारा पीरियडिकल होता पत्रिका इमेजिन, बाय द नेम जिसका नाम था द इनकाउंटर। इनकाउंटर ऑफकोर्स सचमुच द इनकाउंटर वॉज नॉट ए नॉन कॉमोडिटी अमंग द जैमिस लिटरेटी, सचमुच इनकाउंटर शब्द एक जानी पहचानी वस्तु नहीं थी इन द जैमिनी लिटरेटी, जैमिनी के पढ़े लिखे विद्वान लोगों के अंदर। आई वॉन्टेड टू गेट एन आइडिया ऑफ द पीरियडिकल, मैं इस पत्रिका के बारे में कुछ जानना चाहता था। बिफोर आई स्पेंट ए कंसिडरेबल सम इन पोस्टेज सेंडिंग ए मैनुस्क्रिप्ट, इससे पहले कि मैं एक पांडुलिपि भेजने में एक उचित राशि खर्च करता। टू इंग्लैंड में इन दोज डेज, उन दिनों द ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी हैड एन इंटरेस्ट विद नो लॉन्ग वाइंडिंग साइन बोर्ड एंड नोटिस टू मेक यू फील यू आर सिंकिंग इन टू द फॉरबिडन एरिया, उन दिनों ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी के अंदर इतने बड़े बड़े साइन बोर्ड या नोटिस नहीं लग रहे थे जिसको देखकर आपको यह महसूस हो कि आप किसी मनाही वाले क्षेत्र में घुस रहे हैं। एंड देर वर कॉपीज ऑफ इनकाउंटर लाइंग अबाउट इन द वेरियस डिग्री ऑफ फ्रेशनेस ऑलमोस्ट अनटच्ड बाय द रीडर, और वहाँ पर बड़ी ताज़ी अवस्था में इनकाउंटर पत्रिका के ढेर पड़े थे, ऑलमोस्ट अनटच्ड बाय द रीडर, जो लगभग पाठकों द्वारा छूते थे। व्हेन आई रीड द एडिटर नेम, और जब मैंने एडिटर यानी संपादक का नाम पढ़ा, आई हियर्ड ए बेल रिंगिंग इन माय सर्कन हार्ट, मैंने अपने सुकड़े हुए हृदय में एक घंटी सी बजती सुनाई दी। इट वॉज द पोएट, क्या वो कवि था, हु हैड विजिटेड जैमिनी स्टूडियो, जो जैमिनी स्टूडियो में आया था। आई फेल्ट लाइक आई हैड फाउंड ए लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर, मैंने ऐसा महसूस किया कि बहुत समय पहले खोया हुआ भाई मिल गया हो। एंड आई सेंग एज आई सील्ड द एनवलोप, और जब मैंने लिफाफे पर सील लगाई तो मैंने गाया। एंड रोट आउट हिज एड्रेस, और उसका पता लिखा। आई फेल्ट दैट ही टू वुड बी सिंगिंग द सेम सॉन्ग एट द सेम टाइम, मैंने महसूस किया कि उस समय वो भी वही गीत गा रहा होगा। लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर ऑफ इंडियन फिल्म, भारतीय फिल्मों में लंबे समय से खोए हुए दो भाई, डिस्कवर्ड इच अदर, जो एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं, बाय सिंगिंग द सेम सॉन्ग, एक ही प्रकार का गीत गाकर, इन द फर्स्ट रील, पहली रील में, एंड इन द फाइनल रील ऑफ द फिल्म, या फिल्म की अंतिम रील में। स्टेपन स्पेंडर दैट वॉज हिज नेम, यह उसका नाम था। एंड ईयर लेटर, और सालों बाद, व्हेन आई वॉज आउट ऑफ जैमिनी स्टूडियो, जब मैं जैमिनी स्टूडियो से बाहर था, एंड आई हैड मच टाइम, और मेरे पास काफ़ी समय था, बट नॉट मच मनी, परंतु धन ज़्यादा नहीं था। एनी थिंग एट रिड्यूस्ड प्राइस, कोई भी चीज़ जो जिसकी कीमत कम हो जाती थी, अट्रैक्टेड माई अटेंशन, मेरे ध्यान को आकर्षित कर लेती थी। ऑन द फुटपाथ इन फ्रंट ऑफ द मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस, माउंट रोड पोस्ट ऑफिस के आगे फुटपाथ के ऊपर, देर वॉज ए पाइल ऑफ ब्रांड न्यू बुक्स फॉर 50 पैसा ईच, 25 पैसे कि एक पुस्तकों का ढेर लगा हुआ था। एक्चुअली देवर कॉपीज ऑफ द सेम बुक, वास्तव में वे उसी पुस्तक की कॉपियां थी। एन एलिजेंट पेपरबैक ऑफ अमेरिकन ओरिजिन, एक शानदार
पेपरबैक था वो अमेरिकन ओरिजिन, अमेरिकन उत्पत्ति का, स्पेशली लो प्राइस्ड स्टूडेंट एडिशन, जो विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए न्यूनतम कीमत का संस्करण था। इन कनेक्शन विद द 15th एनिवर्सरी ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन, रशियन क्रांति की 50वीं वर्षगांठ पर आई पेड 50 पैसा, मैंने 50 पैसे चुकाए एंड पिक्ड अप ए कॉपी ऑफ बुक, और पुस्तक की एक प्रति उठा ली। द गॉड दैट फेल्ड, भगवान जो असफल हो गया। सिक्स एमिनेंट मैन ऑफ लेटर इन द सिक्स सेपरेट ऐसे, सिक्स छः एमिनेंट मैन, प्रसिद्ध व्यक्ति, ऑफ लेटर विद्वान, मैन ऑफ लेटर होते विद्वान, छः प्रसिद्ध विद्वान इन सिक्स सेपरेट ऐसेज, छः भिन्न भिन्न निम्नों में डिस्क्राइब वर्णन करते हैं दियर जर्नी टू इनटू द कम्युनिज्म, साम्यवाद के अंदर उनकी यात्रा का, एंड दियर डिसिल्यूजन रिटर्न, और उलझे हुए भ्रमित होकर उनके लौटने का, एंड्रे गिडे, रिचार्ड राइट, इनेजियो सिलोन, आर्थर कोलेस्टर, कोस्टलर, लुइस फिशर एंड स्टेपन स्पेंडर। स्टेपन स्पेंडर, सडनली द बुक अस्यूम ट्रेमडियस सिग्निफिकेंस, अचानक इस पुस्तक ने मेरे लिए बहुत बड़ा महत्व प्राप्त कर लिया। स्टेपन स्पेंडर द पोएट, वो कवि, हु हैड विजिटेड जर्मनी स्टूडियो, जो जर्मनी स्टूडियो में आया था, इन ए मोमेंट, एक ही एक्शन में, आई फेल्ट ए डार्क चैम्बर ऑफ माई माइंड, मैंने मेरे दिमाग के गंदे अंधेरे कोने में, लाइट अप बाई ए हैजी इल्यूमिनेशन, एक धुंधला सा प्रकाश महसूस किया। द रिएक्शन टू द स्टेपन स्पेंडर एट जर्मनी स्टूडियो वॉज नो लॉन्गर ए मिस्ट्री। स्टेपन स्पेंडर की जर्मनी स्टूडियो के अंदर प्रतिक्रिया अब एक रहस्य नहीं रही थी। द बॉस ऑफ द जर्मनी स्टूडियो मे नॉट हैव मच टू डू विद स्पेंडर्स पोएट्री। जर्मनी स्टूडियो के बॉसों को शायद स्टेपन स्पेंडर की कविता के बारे में कुछ लेना देना न हो, बट नॉट विद हिज गॉड दैट फेल्ड, और चाहे उसके उस देवता से, उस भगवान से जो एस्पल हो गया था। थैंक यू।